Good morning, students. So today we will start with type study of Abelia. As we have already discussed about general character and classification of phylum Cylindrata, so now we will move towards type study. So first type study is about Abelia, which is also known as sea fur. इसे अपन क्या बोलते हैं? Sea fur भी कहेंगे इसे. So Abelia, it is typically marine, sedentary and colonial hybrid. What it means? कि Abelia जो है वो सिर्फ और सिर्फ समुद्र में पाया जाता है. सिडेंटरी होता है, दैट मींस किसी सबस्ट्रेटम पे अटैच फॉर्म के अंदर पाया जाएगा, और कॉलोनियल हाइड्राइड होता है, दैट मींस ये ग्रुप में पाया जाता है, कॉलोनी के अंदर पाया जाता है, या यू कहो कि एक ही, ये एक्चुअल में जो आपको दिखाई दे रहा है दिस इज Abelia कॉलोनी, क्योंकि इसके अंदर एक ही इंडिविजुअल में बहुत सारे जुइड्स जो है या इंडिविजुअल फॉर्म जो है वो पाई जा रही है. तो ये हमेशा किस फॉर्म में पाया जाएगा? कॉलोनियल फॉर्म के अंदर पाया जाता है. नाउ क्लासिफिकेशन. सो Abelia, it belongs to phylum Cylindrata, class Hydrozoa, order is Hydroida, family is Eucopidae, genus is Abelia and species is Janiculata. Okay? तो आप देख रहे हैं कि जो Abelia है ये phylum Cylindrata से belong कर रहा है. तो Cylindrata phylum का क्या specific feature था? कि इनके अंदर जो है वो morphologically और functionally अलग अलग प्रकार के individuals जो है वो पाए जाते हैं. एसेक्सुअल फॉर्म जो है वो पॉलिप के फॉर्म में पाई जाती है, और सेक्सुअल फॉर्म जो है वो मेड्यूसी के फॉर्म में पाई जाती है. जो पॉलिप होता है वो जनरली फिक्स फॉर्म में पाया जाता है, और जो मेड्यूसी होती है वो जनरली फ्री स्विमिंग फॉर्म के अंदर पाई जाती है. तो अब आप देखिए क्लास क्या है इसका? हाइड्रोजोआ. अब हाइड्रोजोआ क्लास का क्या स्पेसिफिक फीचर था? कि हाइड्रोजोआ क्लास की जो एनिमल्स होते हैं या तो उनके अंदर सिर्फ पॉलिप स्टेज पाई जाएगी, फॉर एग्जांपल हाइड्रा, हाइड्रा के अंदर सिर्फ और सिर्फ पॉलिप स्टेज पाई जाती है, मेड्यूसी नहीं पाई जाती. जबकि या तो उनमें पॉलिप पाया जाता है या पॉलिप और मेड्यूसी दोनों अवस्थाएं पाई जाती है. तो जो Abelia है उसके अंदर पॉलिप और मेड्यूसी दोनों ही प्रकार के इंडिविजुअल फॉर्म्स जो है वो पाई जाएगी. तो हाइड्रोजोआ से बिलोंग कर रहा है, दैट मींस पॉलिप एंड मेड्यूसी बोथ स्टेजेस आर प्रेजेंट इन Abelia. ऑर्डर हाइड्रोइडा है, फैमिली इसकी यूकोपिडी है, जीनस Abelia है, और जिस स्पीशीज के बारे में हम बात कर रहे हैं इट इज Janiculata. ठीक है, तो यहाँ पे ये जो डायग्राम बनाया हुआ है मैंने वो किसका डायग्राम है? ये Abelia का डायग्राम है. तो Abelia कॉलोनी की अगर मैं एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की बात करूं तो किस प्रकार की होगी ये? एक्सटर्नल फीचर्स जो है वो क्या होंगे? हाइड्रोइड कॉलोनी ऑफ Abelia इज डेलिकेट. हाइड्रोइड कॉलोनी ऑफ Abelia इज डेलिकेट, सेमी ट्रांसपेरेंट, व्हाइटिश और ब्राउनिश इन कलर, लाइट ब्राउन इन कलर, ठीक है. किस प्रकार का होगा इसका एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी अगर मैं बात करूं तो Abelia की कॉलोनी कैसी होती है? बहुत ही डेलिकेट फॉर्म में पाई जाती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है, व्हाइटिश या फिर लाइट ब्राउन कलर की कॉलोनी जो है वो Abelia की पाई जाती है. अब आप देखिए अगर Abelia कॉलोनी का डायग्राम अगर मैं देखूं यहाँ पे तो आपको Abelia कॉलोनी में ये नीचे वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है यानी कि जो हॉरिजॉन्टल ब्रांच पाई जा रही है दिस ब्रांच इज नोन एज हाइड्रोराइजा. क्या कहलाएगा ये? हाइड्रोराइजा. जबकि ये जो वर्टिकल ब्रांचेस जो है वो क्या कहलाती है इसकी? हाइड्रोकैरस. तो आपको इस डायग्राम को देख के क्या लग रहा होगा कि छोटा सा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है इसका, तो जिसमें ये हाइड्रोराइजर जो है वो रूट का अपीयरेंस देता है और हाइड्रोकैरस स्ट्रक्चर जो है वो स्टेम की जैसी अपीयरेंस अपने को दे रहा है ना. तो अब आप यहाँ पे देखिए कि ये जो है हाइड्रोराइजा है, ये हाइड्रोकैरस है, फिर हाइड्रोकैरस जो है वो फर्दर साइड ब्रांचेस के अंदर डिवाइड हो रहा है. तो यहाँ पे आप लोगों को ये एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा जिसे हम कहेंगे पॉलिप और हाइड्रन और गैस्ट्रोजोइट और ट्रोफोसोइट. ओके, तो ये वाली अवस्था जो हो गई वो क्या कहलाई है? पॉलिप कहला रहा है. तो यहाँ पे पॉलिप दिखाई दे रहा है, ये पॉलिप है, ये पॉलिप है, ये पॉलिप है. जबकि आपको इन पॉलिप के बीच में एक और स्ट्रक्चर नजर आ रही है जिसे हम बोल रहे हैं गोनेंजियम, और वी कैन से ब्लास्टोस्टार, है ना. तो ये जो गोनेंजियम है, अब आप देखो इसके हम ये कह सकते हैं कि जो Abelia है इस समय इसमें दो प्रकार के जुइड्स पाए जा रहे हैं या दो इंडिविजुअल फॉर्म्स जो है वो पाई जा रही है ना. तो यहाँ पे आप देखिए जो ईच ब्रांच का जो टर्मिनल पोर्शन है उस टर्मिनल पोर्शन पे क्या पाया जा रहा है?
पॉलिप पाया जा रहा है, हर एक ब्रांच का जो टर्मिनल पोर्शन है उसपे वॉलिप पाया जाएगा, और इन ब्रांचेस के बीच वाला जो पोर्शन है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, गोनेंजियम जो है वो पाया जाता है। तो अब आप देखिए कि इनके अंदर ये जो पॉलिप स्टेज है, पॉलिप अवस्था जो है एक्चुअली इट इज न्यूट्रिटिव जोन, जबकि गोनेंजियम जो है वो कैसी अवस्था कहलाएगी, इसकी रिप्रोडक्टिव जोन्स। ठीक है, तो पॉलिप स्टेज जो होगी वो न्यूट्रिटिव जोन्स होगी, जबकि गोनेंजियम जो है वो रिप्रोडक्टिव जोन्स होगी। कैसे, अब आप देखिए जो पॉलिप आपको दिखाई दे रहा है, पॉलिप के ये जो पॉलिप के सिरे हैं, माउथ वाला पोर्शन जो है, टर्मिनल पोर्शन जो है, इट इज सराउंडेड बाय मोर देन 20 टेंटिकल्स, टेंटिकल्स से सराउंडेड है। तो ये जो टेंटिकल्स होते हैं, दीज टेंटिकल्स आर सॉलिड इन उबेलिया, बट इन हाइड्रा दे आर होलो, वो वहां पे खोखले रहते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो टेंटिकल्स हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जा रहे हैं उबेलिया के अंदर। तो ये जो टेंटिकल्स हैं वो हेल्प करते हैं फूड कैप्चरिंग के अंदर, फूड कैप्चरिंग में हेल्प करेंगे। यहाँ पे आपको हाइपोस्टोम दिखाई दे रहा है, माउथ जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, तो फूड को कैप्चर करना एंड देन पॉलिप के अंदर डालना, फिर पॉलिप के अंदर फर्दर जो है वो डाइजेशन और आगे का प्रोसेस जो है वो कंप्लीट होता है। इसीलिए हम पॉलिप को क्या बोलते हैं, इट इज ऑल्सो नोन एज हाइड्रेंथ, और वी कैन से गैस्ट्रोजोइट्स, और इवन इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रोफोजोइट्स। ठीक है, जबकि इन दोनों के बीच में जो है आपको इंटरमीडिएट पोजीशन के अंदर एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ जूट दिखाई दे रहा है, जिसे बोलते हैं गोनेंजियम। तो ये जो गोनेंजियम होता है वो रिप्रोडक्टिव जूट है। रिप्रोडक्टिव जूट क्यों है, क्योंकि इसके अंदर बडिंग के द्वारा जो एक और प्रकार का इंडिविजुअल फॉर्म जिसे हम मेड्यूसी बोलते हैं उसका निर्माण होता है। क्लियर, तो ये हो गया आपका न्यूट्रिटिव जूट और ये हो गया रिप्रोडक्टिव जूट। तो हम ये कह सकते हैं इस समय अगर मैं बात करूं तो ओबेलिया कॉलोनी के अंदर दो प्रकार के जूट्स पाए जाएंगे, पहला होगा आपका पॉलिप, दूसरा होगा गोनेंजियम। लेकिन अगर ये मेड्यूसी मैच्योर हो जाती है तो दैट मींस इसमें तीन प्रकार के इंडिविजुअल्स जो हैं वो पाए जाते हैं। तो हम ये कह सकते हैं ओबेलिया कॉलोनी पॉजेस थ्री डिफरेंट टाइप ऑफ जूट्स। थर्ड इज मेड्यूसी विच इज ऑल्सो नोन एज सेक्सुअल फॉर्म, पॉलिपस एसेक्सुअल फॉर्म एंड मेड्यूसी सेक्सुअल फॉर्म। तो ओबेलिया कॉलोनी के अंदर जो है या ओबेलिया के अंदर तीन अलग अलग प्रकार के जूट्स जो हैं वो पाए जाते हैं। पॉलिप होगा जो कि न्यूट्रिटिव जूट्स के रूप में काम करेगा, कॉनेंजियम होगा जो कि रिप्रोडक्टिव जूट्स के रूप में काम करेगा, और मेड्यूसी होगी जो कि सेक्सुअल फॉर्म के रूप में काम करेगी। क्लियर, अब आप एक और चीज नोटिस करते हैं हम लोग कि ये जो हाइड्रोकैलस है इसमें बाहर या हाइड्रोकैलस है या हाइड्रोराइजा है इसमें बाहर की तरफ तो लेयर पाई जा रही है पेरिसार्क, और जो अंदर वाला पोर्शन है विच इज लीविंग है ना, तो ये वाला जो लीविंग पोर्शन है वो क्या कहला रहा है, कोइनोसार्क। तो पेरिसार्क और कोइनोसार्क, जो कोइनोसार्क होता है वो कैसा होता है, इट इज इन अ ट्यूबुलर एंड लीविंग पोर्शन। इंटरनल स्ट्रक्चर की बात अगर मैं कर रही हूं तो कोइनोसार्क एंड इट इज इंटरनल ट्यूबुलर एंड लिविंग पोर्शन, ट्यूबुलर एंड लिविंग पोर्शन। ठीक है, जीवित वाला पोर्शन होगा, और इसमें आप देखिए ये जो कोइनोसार्क वाला पोर्शन है अंदर का पोर्शन है, लिविंग पोर्शन है, और कैसा है, ट्यूबुलर है। तो ये जो कोइनोसार्क वाला पोर्शन है इट इज सराउंडेड बाय टू लेयर्स, आउटर इज एपिडर्मिस एंड इनर इज गैस्ट्रोडर्मिस। एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस के बीच में क्या पाया जाएगा, जिलेटिनस मेसोग्लिया पाया जाएगा। तो इसमें कोइनोसार्क वाला पोर्शन जो है उसमें बाहर की तरफ तो एपिडर्मिस लेयर होगी, अंदर की तरफ जो है वो गैस्ट्रोडर्मिस होगी, और इन दोनों के बीच में जिलेटिनस मेसोग्लिया जो है वो पाया जाएगा। और कोइनोसार्क जो है वो किसको सराउंड कर रहा है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी को सराउंड कर रहा है। बॉडी कैविटी इसमें किस नाम से पाई जाती है, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी के फॉर्म में पाई जाती है। फिर आती है पेरिसार्क के बारे में, तो पेरिसार्क जो होता है ये क्या होगा, पेरिसार्क जो होगा कोइनोसार्क इज सराउंडेड बाय, कोइनोसार्क इज सराउंडेड बाय
येलो टफ ट्रांसपेरेंट एंड काइटिनस नॉन लिविंग काइटिनस लेयर. And it is secreted by epidermis. And it act as a, it protect the colony and serve as a supporting exoskeleton. It protects the colony and serve as a supporting exoskeleton. Okay, तो देखिए अंदर की तरफ जो लाइव पोर्शन है वो तो कोइनोसार कहलाता है जो कि एपिडर्मिस और गैस्ट्रोडर्मिस से सराउंडेड रहता है, और कोइनोसार जो है वो बाहर की तरफ एक टफ ट्यूबुलर येलो कलर के नॉन लिविंग सब्सटेंस से सराउंडेड होता है जिसे हम पेरिसार बोलते हैं. और ये नॉन लिविंग प्रोटीन कौन सा है? काइटिनस प्रोटीन. काइटिन प्रोटीन से बनी हुई काइटिनस लेयर पाई जाती है जिसे पेरिसार कहेंगे. तो ये पेरिसार जो है वो क्या काम करती है, ये क्या काम करेगी? इट सर्व एज अ सपोर्टिंग एक्सोस्केलेटन. यानी ये जो है वो एक तरह से पेरिसार वाली जो काइटिनस लेयर है नॉन लिविंग लेयर जो है वो क्या हेल्प करेगी, एक तरह से सपोर्टिंग एक्सोस्केलेटन के रूप में काम करेगी. और पेरिसार जो है वो किससे सिक्रीट होगा, ये सिक्रीट होता है एपिडर्मिस से सिक्रीट होता है. ठीक है, तो अंदर वाला कोइनोसार कहलाएगा और बाहर वाला पेरिसार कहलाएगा जो कि नॉन लिविंग होगा. कोइनोसार लिविंग होगा. पेरिसार जो है वो काइटिन प्रोटीन से बनी हुई काइटिनस लेयर होती है जो कि कॉलोनी को सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करती है. एपिडर्मिस से सिक्रीट किया जाता है. तो इस तरह से उबेलिया का जो कॉलोनियल हाइड्रॉइड है वो होता है. समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि भाई इसमें तीन प्रकार के ज्यूइड्स जो है वो पाए जा रहे हैं. पॉलिप जो कि न्यूट्रिटिव ज्यूइड होगा, रिप्रोडक्टिव ज्यूइड के रूप में गोनेंजियम पाया जाएगा, और रिप्रोडक्टिव ज्यूइड यानी गोनेंजियम के अंदर तीसरा टाइप का ज्यूइड पाया जाएगा जिसे मट्यूसी कहेंगे. सो दिस इज इंट्रोडक्शन ऑफ उबेलिया कॉलोनी, और वी कैन से स्ट्रक्चर, ऑल अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ उबेलिया कॉलोनी. थैंक यू सो मच.